आपने हम सब मुसलमानों को कटहरे में क्यों खड़ा कर दिया? आप देखिए, यमन, अफगानिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ले लें, हजरत अली दाता गंजवा से रहमतुल्लाह अलैह के मजार ले लें, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार ले लें, बाबा फरीद का मजार ले लें, हजरत लाल शाह वास कलंदर का मजार ले लें, पाकिस्तान में वहां दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, उस मुल्क में जहां दहशतगर्दी पनप रही है तो वो कौन करवा रहा है? दुनिया का कोई एक टेररिस्ट ग्रुप बता दे, सोमालिया तक अल शबाब ग्रुप तक 26 से 27 से ज्यादा ये टेररिस्ट ग्रुप है, उनमें 99.99% नहीं 100% वाबी है। और इस स्कूल ऑफ थॉट को फाइनेंस कौन करता है? कौन सा मुल्क करता है जिसको कि आप कभी कहना ही नहीं चाहते हो कि वाबियों का सरगना ये है? तो वहाबियत खत्म कहां से होगी मेरे भाई? 6-7 मुल्क वो हैं कि जिनकी इकोनॉमी सस्टेन करती है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग पे। अब सीरिया में जो आईएसआईएस और इराक में हैं, उनके पास जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, वो कहां से आ रहे हैं? क्या यहां की इंटेलिजेंस को ये पता नहीं कि ये तमाम तर? और भाई, हम तो सैयदजादे हैं, हुसैनी हैं, हम तो 1400 साल से आतंकवाद को झेल रहे हैं। सिफ़रीन हो या करबला हो, शुरुआत तो वहां से हुई है। देखिए, मैं एक चीज वादे तौर से कहना चाहता हूं, ये इंटेलिजेंस को लोग भी होंगे, जाहिर सी बात है, 4 मुसलमान जमा होते तो वहां आ जाती है हमारी इंटेलिजेंस। एक बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं उस दरबार से हूं जो हक और सदाकत का दरबार है, चापलूसी हमारे जायज नहीं है। हम 72 थे और जो दुनिया आधी दुनिया पे जो पाते था उसके सामने चापलूसी नहीं की तो आज क्या करेंगे? भाई हमें एक बात बता, झगड़ा पाकिस्तान से, झगड़ा आतंकवादियों से, कुरान और इस्लाम कहां से बीच में आ गए? अभी कलवे जवाद साहब ने कुरान और हदीस कोट की, कहीं से लगता है कि इस्लाम आतंकवाद को सपोर्ट करता है? बल्कि जो नाती के कुरान थे उनके तो सरे अकदस को निजी के ले लिया गया था। हमसे बड़ा विक्टिम टेररिज्म का मुसलमानों से तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज तय करना पड़ेगी, और वो ये, इस्लाम तो आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता है, लेकिन हमारे में मुसलमानों में आतंकवादी हैं। आप उनको चिन्हित करें, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग कहां से आती है उस पर अंकुश लगाएं। क्या जरूरत है आपकी? क्या जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि उन सोर्स ऑफ फंडिंग को ड्राई करे जहां से वाबी स्कूल ऑफ थॉट और वाबी मदारिस की फंडिंग होती है? अगर नहीं कर सकते तो इस पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोई जरूरत नहीं। हमले होंगे, फिर होंगे, फिर होंगे और फिर होंगे। अफसोस यह कि जब इस तरह का आतंकवादी हमला होता था तो लोग इस्तीफे मांगते थे, लेकिन आज वोट की फसल काट रहे हैं। ना हम कांग्रेस से मरूब हैं, ना हम बीजेपी से मरूब हैं। मरूब हैं तो हिंदुस्तान से मरूब है। ये मेरी मिट्टी है, इसका मैं कर्जदार हूं, ये मेरी माँ है, हिंदुस्तान मेरा बाप है। मेरे को चल के कोई कहेगा तो मेरे अपने बाप दादा, परदादा, सकर दादा, अकड़ दादा, हत्ता के गरीब नवाज तक अपने बुजुर्गों की कब्र की निशानियां बता दूंगा। तो मुझसे सर्टिफिकेट ना मांगे, हमसे सर्टिफिकेट ना मांगे,
इस्लाम की बरसगीर में अगर कहीं निराज है तो वो हिंदुस्तान है, क्योंकि यह नायबुल नबी अताए रसूल गरीब नवाज का आस्थाना है। बात इतनी सी है, मैंने एक क्लिप देखी रात को और वो बताना मैं जरूरी समझता हूं कि एक मस्जिद पे उसमें से लाउड स्पीकर फेंके जा रहा है जहां नमाज को जलाई जा रही है, तो गवर्नमेंट उस तरफ भी तवज्जो दे, ये ना करे कि इस तरह की चीज को लेकर हमने आज यूनिटी की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो परेशानी में मुल्क आएगा और मुल्कवासी आएंगे। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम हैं, क्योंकि मरने के बाद भी हिंदुस्तान में हमसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई नहीं। हम जब कोई बात करें तो सही बात करें, सच बात करें। हमारी दरगाह गरीब नवाज में भी हमला हुआ टेररिस्ट, FIR मैंने की 2007 में, और हमला उस वक्त मुसलमानों ने किया, उन्होंने किया, हिंदू फंडामेंटलिस्ट ने किया, वो भी आतंकवादी हैं। तो आतंकवाद का कोई शेड नहीं है, आतंकवाद आतंकवाद है। और आतंकवाद चाहे इंडिविजुअल लेवल कैपेसिटी में कोई करे, एज अ ग्रुप कोई करे, या एज अ स्टेट, जिसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो, हम हर तरह के टेररिज्म को कंडेम करते हैं, ना कि सिर्फ इस्लामिक, सो कॉल्ड इस्लामिक। वहाबी आर नॉट मुस्लिम एट ऑल इन आर आईज। ये वहाबी वो हैं, असल में तो इसकी शुरुआत फतेह मक्का के दिन ही हो गई थी। इब्ने तीमिया ने इसको एकेडमिक थॉट दिया, इब्ने सऊद ने, अगर हम्फ्री कन्फेशन बाय सिपाही पढ़े तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का स्कूल ऑफ थॉट चलेगा और उस काले शाह सऊद की पायरेट की समंदरी डाकू की हुकूमत चलेगी। जिस दिन से ये पॉलिटिकल और रिलीजियस वहाबी इस्लाम अमलगेमेट हुआ है और इनका तेल निकला है, उस दिन से वहाबियत ने सर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया। वहाबियत की जब तक आप फंडिंग बंद नहीं करोगे, खुलकर ये नहीं गाओगे कि सोर्स ऑफ टेररिज्म इज वहाबी स्कूल ऑफ थॉट, ना टेररिज्म कल बंद हुआ था ना टेररिज्म आज बंद होगा, टेररिज्म का खात्मा, जब हम मुसलमान ये कह रहे हैं कि टेररिज्म की जायज पैदाइश वहाबियत है, वहाबियत के और खारजियत का और बनी नहरवा का सर कुचल दो। आखिर दावा। Oh, 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 oh.